वेलकम गाइस, आसुस का फ़ोन। इसमें अगर आपको जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करें, ये इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बस आपको स्टेप फॉलो करना है और आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर गलती से आपकी जो लैंग्वेज चेंज हो गई है तो बस आपको स्टेप फॉलो करना है और आपकी जो लैंग्वेज है वो फिर से चेंज हो जाएगी। बहुत ईजी है। ठीक है, चलते हम फ़ोन की सेटिंग के अंदर। यहाँ पे ये नीचे आपको सेटिंग का आइकन दिखेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है, सेटिंग वाले आइकन पे। बस आइकन सेम ही होता है। अगर यहाँ से भी आपको समझ नहीं आता तो आप स्लाइड करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है ऊपर भी सेटिंग का आइकन होता है किनारे पे आपके राइट साइड पे, आपको इस पे टच कर देना है। जब आप इस पे टच कर देंगे तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर हम नीचे जाएंगे, डाउन साइड पे सबसे नीचे आ जाना है हमें। यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा 1 और 2, उसके सेकंड वाला ऑप्शन हमें यूज़ करना है। ये देखो बीच सर्कल में आई का ऑप्शन होगा, तो 1 2 2 वाले ऑप्शन पे हमें टच कर देना है। जब हम इस पे टच कर देंगे तो फिर हम ऊपर से काउंट करेंगे 1 और 2। 2 पे जो भी ऑप्शन आपको शो होगा आपको उस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। 1 2, ये हमने 2 पे टच कर दिया तो ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, फिर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा है आपको इस वाले ऑप्शन पे बस टच करना है। अगर यहाँ पे 1 और 2 में लैंग्वेज आ रही है जैसे कि मैं बताया, तो यहाँ से अगर आपको कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से कोई भी एक लैंग्वेज ले ली, ये हमने इसमें लैंग्वेज ले ली, तो जो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट पे होती है वही सिस्टम रीड करता है। अभी देखें ये यहाँ पे लैंग्वेज सारी चेंज हो चुकी है, तो जो लैंग्वेज फर्स्ट पे होती है वही होगी। तो अब हम इंग्लिश को फिर से फर्स्ट पे लेके जाएंगे तो ये इंग्लिश हो गई। ठीक है, तो अब 3 डॉट पे जाना है हमें। यहाँ पे टच करेंगे 3 डॉट पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, जो लैंग्वेज हमें रिमूव करनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। 3 डॉट है, यहाँ से रिमूव करेंगे, सिलेक्ट करके उसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से गाइस हमारे फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।